भाई तुम्हें कराऊंगा इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन करेंगे हम आइसोसाइनेट्स के अंदर, आइसोसाइनेट्स में पहले एक दो क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन पहला, एक कंजुगेटेड डाइन C30H22, कंजुगेटेड डाइन C13H22 ऑन ओजोनोलिसिस ऑन ओजोनोलिसिस गेव साइक्लोहेक्सेन कार्बोनडाइहाइड साइक्लोहेक्सेन कार्बोनडाइहाइड एंड टू बुटेनॉन। आइडेंटिफाई द कंपाउंड। क्वेश्चन सबको क्लियर है? क्वेश्चन नोट कर लेंगे, एक बार दोबारा बोल रहा हूँ। क्वेश्चन क्वेश्चन है देखो, एक कॉन्जुगेटेड डाइन है C13H22, ओजोनोलिसिस पे देता है वो साइक्लोहेक्सेन कार्बोनडाइहाइड एंड टू बुटेनॉन। आइडेंटिफाई डाइन, डाइन कौन सा वो आइडेंटिफाई कर।
हाँ कर लिया था अपने। हाँ किसी ने किया है क्वेश्चन कि नहीं है? सर हो गया। हो गया। अच्छा वेदांत ये क्वेश्चन वीडियोस में थे क्या? ये वाला क्वेश्चन तो था शायद। अच्छा ये था कुछ मतलब वेदांत के आंसर निकला बता। सर मेरा निकला है 1-साइक्लोबेंजाइल 4-मिथाइल हेक्सा 1-3-डाइईन। साइक्लो बेंजाइल नहीं बोलेगा ना, साइक्लो हेक्साइल। ये सर हेक्साइल। चलो साइक्लो हेक्साइल कार्बोहाइड्रेट है, साथ में इसके 2-बुटेनॉन है, लेकिन अगर इन दोनों को जोड़ देंगे ओ हटा करके तो टोटल कार्बन ही 7 + 4 11 आएंगे, और हमें चाहिए 13 कार्बन, और डाइन भी नहीं बनेगा, डाइन भी बनाना है प्लस 2 कार्बन एक्स्ट्रा चाहिए, इसलिए CHO 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 CHO, यानी ग्लाइकोजल एक एक्स्ट्रा, तुम्हें कुछ सोचना पड़ेगा कि ग्लाइकोजल एक एक्स्ट्रा चीज है जो होनी चाहिए, तो यहाँ पे बाहर हो जाएगा, यहाँ से ये बाहर हो जाएगा और आंसर आ गया ये। CH 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 CH5 CH3 ये आंसर है, चेक कर लो C13H22 है। अच्छा वेदांत के अलावा और किसने निकाला आंसर ये? सोनिया का सही है, सिद्धि का सही है, और कोई बच्चा और किसी का सही हुआ ये? चलो इसके क्वेश्चन अभी बहुत सारे हैं, एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गए, जल्दी से एक बार हैंड से भी कर देंगे जिसको समझ आ गया। वेदांत, काजल, सिद्धि, बॉबी, सोनिया, युविका, अर्णव, छवि, आर्यमन, हर्षित, उज्जवल, नित्या, कृष्णा, अंशिता, ऋषि, मयंक, मयंक सर समझ नहीं आया ये? नहीं सर क्या बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि कुछ पूछना, कोई पॉइंट पूछना है इसमें? सर नहीं सर समझ नहीं आया। देख ये मिल रहा है, ये तेरे को पता है ना कि ओजोनोलिसिस पे कभी भी रिएक्टेंट निकालना हो, जैसे मान ले ओजोनोलिसिस पे इथेनल मिला मिथेनल मिला, तो ओ दोनों के सामने रखते हैं और ये बाहर निकाल के इथीन ये प्रोपीन बन जाएगा, ये पता है कि नहीं? ये सर पता है, ये पता है ना। तो देखा अब इसमें भी तो यही मैंने किया, ओजोनोलिसिस पे क्या मिल रहा है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोहाइड ये मिल रहा है एक तो, और साथ में मिल रहा है 2-बुटेनॉन, तो मैंने साइक्लोहेक्सेन कार्बोहाइड को साइक्लोहेक्सेन कार्बोहाइड ये रहा इसको ले लिया और 2-बुटेनॉन ले लिया, ये दोनों ले लिए, लेकिन अगर इन दोनों के मैं ओ डायरेक्टली बाहर निकाल देता तो दो चीजें गलत होती, एक तो ये कंजुगेटेड डाइन ना बनता, सही ना, तभी आंसर ये आता। ये आंसर आता ना तो ये कंजुगेटेड डाइन है, ना ही इसके अंदर 13 कार्बन है, टोटल कार्बन इसके अंदर 11 है ना, समझ गया कि नहीं? है इसलिए ये चीज खुद सोचनी है कि सर आ गया पर पूरी अच्छी तरीके से नहीं आया। ये चीज है, अब इसलिए हमने CHO CHO को बीच में रखा है जानबूझ के, ताकि ये कंजुगेटेड डाइन बन जाए, जैसे ये क्वेश्चन मैंने और कराया हुआ इस टाइप का वीडियोस में भी होना चाहिए वो, जैसे एक एक एलीन है, एक एनालीन C11H18 एलीन या क्यूमुलिन क्या होता है जिसमें दो डबल बॉन्ड एक साथ हो, एनालीन C11H18 ऑन ओजोनोलिसिस गेव क्या देता है ये, सपोज ये दे रहा है इसमें दे रहा साइक्लोहेक्सेन कार्बोहाइड दे रहा है, ये साइक्लोहेक्सेन कार्बोहाइड एंड एसीटोन, आइडेंटिफाई एलीन या क्यूमुलिन, क्वेश्चन क्लियर है? निकालो इसका आंसर क्या आएगा,
हाँ निकालिए आंसर सिद्धि। सिद्धि यस सर। निकालिए आंसर कि नहीं। देखो उधर वेदांत निकाला आंसर क्या? यस सर। क्या आंसर आया? सर इसमें वो हिडन कंपाउंड CO2 होगा। हाँ बिल्कुल सही, CHO है और साथ में एसीटोन है, ये एसीटोन। अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं 7 और 3, 7 कार्बन और 3 कार्बन, 10 कार्बन आएंगे, जबकि हमें चाहिए 11 कार्बन। 11 कार्बन साथ में एलीन, दो डबल बॉन्ड एक साथ होने चाहिए, इसलिए अंडरस्टूड है कि बीच में CO2 हमें खुद सोचना है, CO2 जो है वो हमें खुद सोचना है इसके अंदर। तो यहां से दो हट जाएंगे, यहां से दो हट जाएंगे और आंसर आ जाएगा CH डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी CH3 CH3। डाउट किसी को इसमें? मयंक समझ आया कि नहीं? सर आ गया। तो इस तरह से सोचना है इसको, सही ना, इस तरीके से सोचना है। नेक्स्ट नोट करेंगे अब। नेक्स्ट अब मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रोफिल का एडिशन इन आइसोसाइनाइड्स। देखो यहां तक के लेक्चर्स ना सब तुम्हें मिल जाएंगे, मेन तुम्हें न्यूक्लियोफिल के एडिशन के बाद से जो लेक्चर्स हैं वो शायद ना मिले, सही ना। क्या कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन आइसोसाइनाइड्स। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन आइसोसाइनाइड, जैसे एग्जांपल लिया मैंने, इसके क्वेश्चन नीट में बहुत आए हुए हैं। CH3NC है, सपोज CH3NC का मतलब ऐसे होती है, तो ऐसे दिखा दो तुम NC, इस तरह से दिखा सकते हो, या CH3N+CC-, कैसे भी दिखा सकते हो उसको। इसमें डाला मैंने Cl2, इसमें Cl2 डाला ना, तो इसमें मिलेगा CH3N(CCl)Cl, ये आएगा। और अगर तुम देखोगे ना, अगर मैं ऐसे ही इथीन के अंदर Cl2 ऐड करता हूँ तो क्या मिलता था? Cl2CCl4 के अंदर, याद है कि नहीं है? तो तब आता था Cl यहाँ पे और Cl यहाँ पे, ये डिफरेंस है, दोनों के अंदर डिफरेंस समझ आ रहा है कि नहीं है? आइसोसाइनाइड्स के अंदर जो Cl2 है, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल भी होगा न्यूक्लियोफाइल भी होगा, वो दोनों के दोनों सेम कार्बन पे अटैक कर रहे हैं, दोनों के दोनों सेम कार्बन पे अटैक कर रहे हैं। वेयर एज इन एल्कीन्स, एल्गीन के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल है और जो न्यूक्लियोफाइल है, दे आर अटैकिंग ऑन डिफरेंट एडजेसेंट कार्बन एटम्स। समझ आया कि नहीं है? दोनों में डिफरेंस, दोनों के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में डिफरेंस समझ आ गया, एल्कीन में और आइसोसाइनाइड में। वेदांत? यस सर। बाकी किसी को डाउट है तो तुम लोग पूछ सकते हो। इन केस ऑफ आइसोसाइनाइड्स, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल आर अटैकिंग ऑन सेम कार्बन एटम्स, वेयर एज इन केस ऑफ एल्कीन दे आर अटैकिंग ऑन डिफरेंट कार्बन एडजेसेंट कार्बन एटम्स। तो इसका मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म नोट कर लेंगे एक बार। पहले तो ध्यान रखना कि चलो हाइड्राइड का मैं बाद में बताऊंगा मैकेनिज्म, पहले इसका मैकेनिज्म नोट कर लूँ। इसका मैकेनिज्म क्या है? Cl2CH3N+CC-, Cl2 अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, Cl+ अटैक करेगा CH3N पे, प्लस ट्रिपल बॉन्ड CCl आ गया, C- के साथ ये Cl+ ये जुड़ जाएगा। अब Cl- बचा हुआ, ध्यान रखना। अब अगले स्टेप में ये स्टेप स्लो हुआ है, अगले स्टेप में अब ये पाई बॉन्ड टूट रहा है तो स्टेप थोड़ा फास्ट हो। ये इलेक्ट्रॉन गए एन के पास, एन के पास इलेक्ट्रॉन गए और अब इसीलिए Cl- जो है वो इसी कार्बन पर अटैक करेगा। इसका मैकेनिज्म समझ आ गया? तो ये तुम्हें एज इट इज ध्यान रखना है, मैकेनिज्म की कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बस तुम्हें याद रहे कि इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल आर अटैकिंग ऑन सेम कार्बन एटम इन केस ऑफ आइसोसाइनाइड्स, वेयर एज ऑन डिफरेंट कार्बन एटम्स इन केस ऑफ एल्कीन्स। बस तुम्हें याद रहे, इसलिए मैंने मैकेनिज्म बता दिया, मैकेनिज्म की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं। जैसे इसकी रिएक्शन है ना CH3, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये पूछी हुई रिएक्शन है, CH3NC है, इसमें मैंने Cl2 डाल दिया। सपोज DMSO के अंदर पहले मैंने पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया था यहाँ पे CCl4 टाइप का, अब इधर मैंने सॉल्वेंट ले लिया पोलर एप्रोटिक, तो आंसर क्या मिलेगा? इसमें डाल दिया मैंने ओजोन, तो आंसर क्या मिलेगा? इसमें डाल दिया मैंने HGO,
HGO, तो आंसर क्या मिलेगा, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। इसमें डाल दिया मैंने सपोज एक एस डाल दिया सल्फर, तो आंसर क्या आएगा, सबके आंसर नोट कर लेंगे जल्दी से। ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसके। तो Cl2 डाला DMSO के अंदर, तो Cl2 DMSO में डालेंगे तो इसमें आता है इंपॉर्टेंट बहुत CH3 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O आता आंसर, ये आंसर आता है। और जो DMSO होता है, DMSO का डबल बॉन्ड है ना, ये है DMSO, दोनों O हट करके CLCA लग जाएंगे, और दोनों मतलब डबल बॉन्ड O हट के CLCA लग जाएंगे, ये आंसर आएगा इसका, समझ गए कि नहीं। तो ये दो मेन आंसर आते हैं इसके DMSO के साथ, Cl2 इन DMSO, दोनों ओट करके मतलब ये Cl2 जो है इसी पे अटैक कर गया, इस पे आएगा। तो ये बात समझ आएगा कि नहीं है, ये आएगा आंसर इसके अंदर। और मिथाइल आइसोसाइनेट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, तुम्हें ध्यान होगा मिथाइल आइसोसाइनेट सुना होगा किसी ने कहाँ पे यूज हुई थी, इसका क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है, मिथाइल आइसोसाइनेट मैंने कन्वर्जेंस में भी बताया हुआ है, भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी, और अच्छे बिल्कुल सही है, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो 1984 में हुई थी ना, उसमें ये वाली गैस इन्वॉल्व थी, ये गैस लीक हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर, ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये याद रखना इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है जो बताइए अभी यहाँ पे DMSO के साथ। ऐसे ही ओजोन के साथ भी यही बनेगा, CH3 एंड डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, और HGO के साथ भी यही बनेगा, CH3 एंड डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ के साथ तो हर कोई बॉन्ड बनाना पसंद करता है, और HGO के साथ ओ उतना स्टेबल नहीं है, O3 में भी O2 ज्यादा स्टेबल है, इसलिए O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। एस डालेंगे तो मिथाइल आइसोथायोसाइनेट, एस डालेंगे तो मिथाइल आइसोथायोसाइनेट आएगा, सही ना, मिथाइल आइसोथायोसाइनेट, ये चारों रिएक्शन पढ़ लेना। एक क्वेश्चन और है इसका जो इंपॉर्टेंट है, वो है ये भी क्वेश्चन आता है, आइसोसाइनेट्स को अगर हाइड्रोलाइज करना है, आइसोसाइनेट्स को अगर हाइड्रोलाइज करना है तो हम यूज करते हैं एसिडिक मीडियम नॉट बेसिक मीडियम, आइसोसाइनेट्स आर हाइड्रोलाइज ओनली बाय एसिड्स नॉट बाय बेसिस, ये मैंने बताया हुआ है डिस्टिंक्शन के अंदर, अगर तुम्हें ध्यान हो तो, जैसे CH3CN के अंदर अगर मैं H2O कंसंट्रेटेड O चार्ज डाल दूं, जैसे कंसंट्रेटेड NaOH कुछ भी, तो इसमें आ जाएगा CH3CONH2, CH3CONH2 पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है। और अगर मैं इसके अंदर H2O डाइल्यूट HCl डाल दूं, डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट NaOH या कंसंट्रेटेड HCl लिख दो एक बार, कंसंट्रेटेड HCl तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस, और डाइल्यूट HCl डाल दिया तो CH3COH आएगा, CH3COH, यहाँ CH3CONH2, CH3CONH2 इधर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हुआ है, इधर पार्शियल, यहाँ पार्शियल है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पार्शियल हाइड्रोलिसिस, और यहाँ पे हम कंसंट्रेटेड HCl यूज किया है तो कंसंट्रेटेड NaOH भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे डाइल्यूट HCl यूज किया है तो डाइल्यूट NaOH यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसका जो हाइड्रोलिसिस है वो एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में होता है, इसका हाइड्रोलिसिस एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में होता है, जैसे CH3CN था, CH3CN में मैंने डाला H+, तो N अपने लोन पर दे देगा H+ को, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस H, अब उसके बाद H2 अटैक कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, वो अपने लोन पर दे देगा इसको, तो CH3C मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, OH आ जाएगा, डबल बॉन्ड NH, फिर हम कर देंगे टॉटोमराइज, टॉटोमराइज कर देंगे, तो आंसर आ गया CH3C(O)NH2, ये आंसर आ जाएगा एमाइड। और उसके बाद दोबारा H2 डालेंगे H+ के अंदर, फिर तो क्या हो जाएगा, फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, NH2 हट जाएगा और OH आ जाएगा उससे, NH2 हटके OH आ जाएगा सीधा। किसी को कोई डाउट मैकेनिज्म में, समझ आ गया इसका मैकेनिज्म के नहीं, तो ये मैकेनिज्म इसका, ये कर लेना जरूर सही ना, ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का और पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म बता दिया यहाँ पे, हमें करना है मेन मैकेनिज्म क्या, आइसोसाइनेट्स आर हाइड्रोलाइज्ड ओनली बाय एसिड्स नॉट बाय बेसिस, यानी अगर इसके इसी जगह आइसोसाइनेट्स होते हैं, और ये मैंने डिस्टिंक्शन में क्या करवाया क्वेश्चन, इथेन नाइट्राइल या फिर मिथाइल साइनाइड और मिथाइल आइसोसाइनेट में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, मिथाइल साइनाइड और मिथाइल आइसोसाइनेट के अंदर देखो CH3CN है और CH3NC के केस में H2O डालते हैं तो H+ यानी मीडियम होना चाहिए एसिडिक, तो ही रिएक्शन होगी, OH- में रिएक्शन नहीं होगी, OH- में रिएक्शन नहीं होगी, तो इसमें आंसर आएगा CH3NH2 प्लस
एक एसिड हमेशा HCO बनेगा, ये पार्ट CH3NH2 बनाएगा, ये वाला पार्ट CH3NH2, ये वाला अल्काइल पार्ट CH3NH2 बनाएगा, और ये कार्बन कन्वर्ट होगा किसमें, HCOH। इसको भूलना नहीं है, ये डिस्टिंक्शन तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें डिस्टिंक्शन कराया CH3CN और CH3NC में, तो CH3CN में डालते हैं H2H+, तो CH3COOH आ जाएगा, CH3COOH आ जाएगा, साथ में ये आ गया ना, और इसमें क्या गया HCOH। अब आगे इसमें क्या लगा देंगे, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, इसमें डाल दो AgNH3 होल ट्वाइस OH, टॉलरेंस रिएजेंट डाल दिया, तो CO2+H2O+SilverMirror, तो ये सिल्वर मिरर टेस्ट दे देता है, जरूर लिखना इसे सिल्वर मिरर। और इस केस में टॉलरेंस रिएजेंट के साथ या फेलिंग सॉल्यूशन के साथ या फिर HgCl2 के साथ या KMnO4 के साथ कोई रिएक्शन नहीं, ये चारों के साथ टेस्ट दिखाता था, मैंने एक टेस्ट दिखा दिया यहाँ पे, तुम कुछ याद आया कि नहीं, ये नो सिल्वर मिरर। इसमें तुम CU2++5OH चेंज डाल दोगे यानी फेलिंग सॉल्यूशन डाल दोगे तो उसमें आ जाएगा CU2O का रेड प्रेसिपिटेट साथ में CO2+H2। इसमें तुम HgCl2 डाल दोगे तो Hg2Cl2 का व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा, मर्क्यूरी क्लोराइड डालोगे तो मर्क्यूरस क्लोराइड का व्हाइट पीपीटी, और KMnO4 डाल दोगे तो Mn2+ मिलेगा कलरलेस और साथ में CO2 रेस्ट टू। कोई डाउट इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं, मैकेनिज्म मैं बता देता हूं एक बार इसका, आइसोसाइनेट्स आर हाइड्रोलाइज्ड ओनली बाय एसिड नॉट बाय बेस, बेस में वो चार्ज जो है वो कार्बन के नेगेटिव से रिपेल हो जाते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, अभी एक डिस्टिंक्शन करा दिया इंपॉर्टेंट, ये पहले किया होगा तुमने डिस्टिंक्शन के अंदर, अब इसका मैकेनिज्म भी देख लो ऊपर, देखो इसमें CH3NH2+HCOH है, इसके अंदर डाला H+, मैकेनिज्म क्या है H+ डाला, कार्बन नेगेटिव अपने लोन पर दे देगा, ये इस पर अटैक कर देगा, और उसके बाद H2 डाला, सेम वैसे ही है, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल सेम कार्बन एटम पर अटैक करेंगे, तो ये आ जाएगा CH3N डबल बॉन्ड CH और पानी का OH आ जाएगा, फिर टॉटोमराइज कर देना, टॉटोमराइज कर देंगे यहाँ पे, टोटोमराइज कर देंगे तो ये आएगा CH3NH सी डबल बॉन्ड OH, फिर यहाँ से क्लीवेज, पानी का H यहाँ पे, पानी का OH यहाँ पे, आंसर ये दोनों, समझ आ गया मैकेनिज्म कि नहीं, इससे पता लग गया कि आइसोसाइनेट्स आर हाइड्रोलाइज्ड ओनली बाय एसिड्स नॉट बाय बेसिस, आइसोसाइनेट्स आर हाइड्रोलाइज्ड ओनली बाय एसिड्स नॉट बाय बेसिस, समझ आ गया कि नहीं सबको, ये एक बार एनालिसिस करेंगे जिसको समझ आ गया पूरा, वेदांत सिद्धि काजल सोनिया बॉबी अर्नव अंशिता आर्यमन छवि नित्य उज्जवल आर्यमन अंशिता मयंक कृष्णा हर्षित, ऋषि को समझ नहीं आया, ऋषि युविका, नहीं सर आ गया सर, आ गया। चलो सही है, नेक्स्ट अब एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, रिएक्शन सबने पढ़ी है, सबको रटा हुआ है, जैसे इथाइन के अंदर अगर हाइड्रेशन करते हैं तो क्या आता आंसर, H2OH+Hg2+, क्या आता आंसर उससे इथाइन के अंदर, याद है कि नहीं है, इथाइन के अंदर हमने डाला H2O इन डाइल्यूट H2SO4 प्लस डाइल्यूट HgSO4, तो आंसर सबको पता ना क्या आता है, इथेनॉल टोटोमराइज होके, याद है ना सबको, ये देखो ये सबने पढ़ा हुआ है, अब हमें ये पता है ये टर्मिनल एल्काइन है, ये क्या है टर्मिनल एल्काइन, यानी जिसमें ट्रिपल बॉन्ड लास्ट में आता है, जिस जिस एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड लास्ट में आता है वो कम रिएक्टिव होते हैं,
और एल्काइन जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड बीच में आता है जैसे ब्यूटुआइन पेंटटुआइन इस तरीके से, तो वो एल्काइन क्या होते हैं थोड़े ज्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनमें सेकेंडरी कार्बोटाइन बनने के चांसेस होते हैं ज्यादा, सेकेंडरी या टर्शरी के, इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इस वजह से टर्मिनल एल्काइन्स के अंदर हम हैवी मेटल्स यूज करते हैं Ba2+ या Hg2+ ताकि इनकी रिएक्शन थोड़ी सी उनका रेट जो है उसका इंक्रीज हो जाए, उसका रेट जो है थोड़ा इंक्रीज हो जाए। तो ये तुम्हें ये लाइन याद रखनी है। अब इसका मैकेनिज्म बता रहा हूँ कि डायलूट HCl4 का यूज क्या है इसके अंदर, डायलूट HCl4 का यूज क्या होगा और डायलूट HgSO4 का। हैवी मेटल का यूज तो बता दिया मैंने टू इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइन। अब मैंने लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें डाल दिया Hg2+ को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए इसलिए ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के पास जाएगा और ये एक इंटरमीडिएट बन जाएगा साइक्लिक CH डबल बॉन्ड CH डॉटेड में ये, और ये Hg2+ इस पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ इन्वॉल्व हो जाएगा। देखो चेक करो ये समझ आ गया कि नहीं, ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट क्लियर हो गई कि नहीं है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, Hg2+ डाला, Hg2+ को पाई इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा तो इस तरह से साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आएगी। अगले स्टेप में वाटर अटैक कर देगा किसी एक साइड से इलेक्ट्रॉन गए इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए तो CH OH डबल बॉन्ड C+H। कोई डाउट? अब अगले स्टेप में H+ अटैक करेगा एसिड का, H+ इस एसिड का H+ अटैक करेगा। अब इलेक्ट्रॉन इधर ही जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर क्यों जाएंगे, एक तो ये प्लस है प्लस इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, दूसरा यहाँ पे जब प्लस आएगा तो ये O लोन पर दे सकता है उसको, इस वजह से इलेक्ट्रॉन उस साइड जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर इधर जाएंगे, अटैक कर देगा ये H+ इस पॉइंट पे, तो ये आ गया CH+ OH सिंगल Hg+ H, ये आ जाएगा। और अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, क्या होगा इसमें, अब ये इलेक्ट्रॉन दे जाएगा, अब ये Hg+ कैटलिस्ट था, ये इलेक्ट्रॉन दे जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन दे गया माइनस Hg2+, ये बाहर निकल गया और आ गया CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ OH, ये टॉटोमराइज कर जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। टॉटोमराइजेस फॉर्मिंग CH3CHO, ये आंसर आ जाएगा CH3CHO इथेनल। कोई डाउट किसी को इसमें, इसके मैकेनिज्म में किसी को डाउट तो नहीं है? और ध्यान रखेंगे डाइल्यूट HCl4 यूज करना है, अगर तुम डाइल्यूट HCl यूज कर दोगे ना, डाइल्यूट HCl, कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या डाइल्यूट HCl4 की जगह डाइल्यूट HCl यूज कर सकते हैं, तो नहीं यूज कर सकते। अगर डाइल्यूट HCl यूज कर लिया तो वाटर अटैक नहीं कर पाएगा, वाटर की जगह Cl- अटैक कर देगा और फाइनल आंसर आ जाएगा विनाइल क्लोराइड, तब फाइनल आंसर आ जाएगा विनाइल क्लोराइड, ये याद रखना जरूर। डाइल्यूट HCl4 की जगह डाइल्यूट HCl यूज नहीं कर सकते, नहीं तो HCl में Cl- जो है न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है और वो बना देगा विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। रिएक्शंस तो सबको इसकी आती होंगी, हमेशा इसमें हम बोलते हैं कि मिथाइल कीटोन मिलता है, जैसे अगर मैंने लिया प्रोपाइन H2O H+ Hg2+ डाल दिया, फाइनल आंसर बताना है। मैंने इसमें ले लिया पेंटाइन, पेंटाइन फाइनल आंसर बताना है। मैंने इसमें ले लिया ये फाइनल आंसर बताना है। चलो निकालो इनके आंसर्स। चलो एक ये भी लिख लो, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच और इसमें डाल दिया मैंने D2O H+ Hg2+ D2O H+ Hg2+ फाइनल आंसर बताना है। निकालो आंसर।
माइंड सही नहीं है, चेक कर दोबारा। हाँ, निकाल लिया आंसर सबने। देखो सबको पता होगा इसका आंसर, फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, एसीटोन। सबने कन्वर्जन में किया हुआ है, मिथाइल कीटोन आएगा आंसर। इलेक्ट्रॉन इधर ही जाएंगे, इधर एच आएगा, इधर ओ एच आएगा। एच आएगा एच प्लस का, ओ एच आएगा वाटर का। ऐसे इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो इधर सी एच थ्री आ जाएगा, सी एच थ्री सील बॉन्ड ओ, सी थ्री एच सेवन आ जाएगा। ध्यान रखना है हमेशा सी एच जो है वो सी एच थ्री में जाता है, सी एच जो है वो सी एच थ्री में जाएगा। ऐसे इसमें इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, इसमें मिथाइल कीटोन नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि इधर प्लस आएगा तो बेंजीन से स्टेबलाइजेशन मिलेगा रेजोनेंस की वजह से। तो इसमें आंसर आ जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी एच थ्री। इस केस में डी टू डाला हुआ है तो ओडी बनेगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, एच प्लस अटैक करेगा, फिर प्लस पे ओडी अटैक करेगा। प्लस पे कौन अटैक कर देगा, ओडी। तो ये चीज आएगी पहले सी ओ डी डबल बॉन्ड सी एच टू, तो फाइनल आंसर टोटोमेराइज होने के बाद C डबल बॉन्ड O सी एच टू डी आएगा, सी एच टू डी, ये आंसर आएगा इसका फाइनल। समझ आ गया कि नहीं? ये चलो एक बार रीजॉइन कर लो।